हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। हमने डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी में फेल्गेन अन मॉडल पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जैसे कोई भी सब्सट्रेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने ये दिया हुआ है, ये क्या था, यहाँ ये क्या है मिथाइल, ये क्या है कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ कोई भी ग्रुप जैसे अटैच है। ये हमने किसमें पढ़ा था, फेल्गेन अन मॉडल में, जब हम इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे, NaBH4 के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब इसके रिएक्शन कराएंगे। तो हमने क्या देखा था कि जब रिएक्शन होगी तो फेल्गेन अन मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, ये जो ग्रुप होगा, जब ये जो प्रोडक्ट बनेगा PH, ये जो मिथाइल है और ये मिथाइल, इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है OH बिलो द प्लेन, या फिर PH, ये क्या है मिथाइल, और यहाँ क्या है ये मान लो बिलो द प्लेन है। हमने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कर लिया था, पता लगा दिया था कि जब इसकी NaBH4 के साथ, जब ये SI टाइप ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, जब इनकी रिएक्शन इसके साथ होगी, NaBH4 ये विदाउट सिलेशन वाला रिएजेंट, जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन। हम ये किसके अकॉर्डिंग पता लगा दिया था, फेल्गेन अन मॉडल के। अगर जब सेम यही रिएक्शन अगर साइक्लिक्स मॉलिक्यूल्स में हो, किसमें, साइक्लिक्स मॉलिक्यूल्स, साइक्लिक मॉलिक्यूल ऐसे, अगर हम इसकी, मान लो ये एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर हमें ये दिया हुआ है, हम इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, NaBH4 के साथ, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, जब ये अटैक करेगा तो ये जो, जब एच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो भी रहेगा वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये OH अबोव द प्लेन आएगा, या फिर ये OH जो है इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, मतलब एक्सियल पोजीशन पे आएगा या इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में, जब ऐसे जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि फेल्गेन अन मॉडल में हमने इस इनमें जो एसाइक्लिक टाइप मॉलिक्यूल्स, इनमें पता लगा लिया था कि जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अबोव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन। अगर साइक्लिक्स मॉलिक्यूल्स आ जाए तो उनकी हम कैसे पता लगाएंगे। तो आज का टॉपिक ये है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। अगर बाईसाइक्लिक कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर कोई भी बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, आपने स्टीरियो, आपने केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ ली होगी, नेम, रिएक्शन, रिएजेंट सब कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डाउट रहते हैं कि सब कुछ पढ़ लिया लेकिन जब रिएक्शन हो नहीं रही, जब अटैक कराता है तो जो प्रोडक्ट है वो अबोव द प्लेन बनेगा या बिलो द प्लेन में, क्योंकि वो रिएजेंट, नेम, रिएक्शन इन पढ़ने से नहीं आएगा। तो कुछ टॉपिक है जैसे स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि जब जो मॉलिक्यूल है जो अटैक करेगा जो न्यूक्लियोफाइल, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, अबोव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन। तो इस टाइप से साइक्लिक्स मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम, फिर बाईसाइक्लिक्स कंपाउंड होते हैं या स्मॉल रिंग, 4 मेंबर, 5 रिंग, उनमें जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो आज हम देखेंगे कि जो बाईस ना जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, टॉपिक क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल, मतलब जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब रिएक्शन होगी तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, प्रोडक्ट वो अबोव द प्लेन बनेगा या बिलो द प्लेन बनेगा। तो हम आज यही देखें। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया, ये क्या टर्शियरी ग्रुप, यहाँ क्या है, ये डबल बॉन्ड हो। जब मैं इसकी रिएक्शन LiAlS4 के साथ कराऊंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें, एच नेगेटिव, जब एच नेगेटिव यहाँ करेगा, जब एच नेगेटिव जो है वो इधर से अटैक करेगा या इधर से अटैक करेगा, फर्स्ट और सेकंड, तो हमें पता लग, क्योंकि इधर से अटैक अगर ये करेगा फर्स्ट पोजीशन, तो एच क्या आएगा, अबोव द प्लेन, और ओ एच कहाँ आएगा, इक्विटोरियल पे, अगर इधर से करेगा तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ, अगर ये एच इधर से अटैक करता है तो एच क्या आएगा, यहाँ आएगा, और ओ एच कहाँ आएगा, इधर आएगा। अगर ये एच नीचे से इस साइड से अटैक करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर इधर से एच आ गया तो ओ एच इधर बनेगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि जो LiAlS4 है ये इधर से अटैक करेगा, इधर से, हमें कैसे पता चलेगा, यही टॉपिक का नाम है कि स्टीरियो सेलेक्टिव साइड, जो साइक्लिक मॉलिक्यूल्स है उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो अबोव द प्लेन, बिलो द, इक्विटोरियल पोजिशन पे आएगा या एक्सियल पोजिशन पे आएगा। तो हमें क्या देखेंगे कि अगर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर बल्की बेस है, क्या है, बल्की बेस, अगर बल्की बेस गिवन है, क्या गिवन है, अगर बल्की बेस, दूसरा क्या है, अगर बेस इज नॉट बल्की,
बेस है, या फिर हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज नॉट बल्कि, तो ये दो केस बनेंगे, मतलब कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या डिसाइड करेगा, या वो द प्लेन द बिलो द प्लेन बनेगा, कौन डिसाइड करेगा ये जो न्यूक्लियोफाइल हमें गिवन होगा वो। अब जो है अगर बल्कि बेस आ गया, सबसे पहला क्या आ गया, बल्कि बेस। अगर बल्कि बेस आ जाता है, क्या आ जाता है, बल्कि बेस। अगर बल्कि बेस आ गया तो सोचो कोई एक बल्कि बेस है, तो वो सोचो जब इधर से अटैक करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, ये कैरेक्टर से उठा, ये क्या था कार्बोनिक ग्रुप। अगर बल्कि बेस आता है, क्या आता है बल्कि बेस, क्या ले लिया मैंने बल्कि बेस। जब सोचो बल्कि बेस जो है वो इधर से अटैक करे और एक इधर से, दो पॉसिबिलिटी है इस कार्बन पे जब अटैक करेगा। जब अगर ये इधर से अटैक करेगा तो सोचो इधर क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है इधर हाइड्रोजन, और एक ये क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये। जब इधर से बल्कि बेस जब इधर से अटैक करेगा तो इनके साथ क्या होगा, क्या होगा इसके साथ रिपल्शन होगा, जो हम क्या बोलते हैं, जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन जो हम पढ़ते हैं वो होंगी। तो अगर बल्कि बेस गिवन है, जब इधर से आएगा तो ये इन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, स्टेरिक रिपेलेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तो अगर बल्कि बेस गिवन है, अगर ये इधर से आता है तो क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है तो इनके साथ क्या होगा, अगर इधर से अटैक करेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इनके साथ। इसलिए अगर बल्कि बेस होगा वो एक्सियल साइड से अटैक नहीं करेगा हमेशा, बल्कि बेस जो होगा वो इक्विटोरियल साइड से अटैक करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बल्कि बेस होगा वो हमेशा क्या करेगा, इक्विटोरियल जो साइड होता है, इक्विटोरियल साइड अटैक होगा, किस साइड अटैक होगा, इक्विटोरियल साइड। अगर बल्कि बेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल LiAlH4 NaBH4, इनमें जो है न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा इनमें, एच नेगेटिव, क्या एच नेगेटिव बल्कि है, नहीं है। तो अगर डबल बॉन्ड हो तो इधर से नहीं होगा अटैक, इधर से होगा, इधर से होगा इक्विटोरियल। अगर बल्कि बेस नहीं है, एच नेगेटिव है, एच नेगेटिव है, तो वो इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे। जब वो इधर से अटैक करेगा, जब वो इधर से अटैक करेगा तो ये क्या है, छोटा बेस है, बल्कि बेस नहीं है, तो इसका इसके साथ इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, इसलिए इसका स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, जब एक्सियल से अटैक करेगा, इस साइड से एक्सियल से अटैक करेगा, जब ये एक्सियल से अटैक करेगा, ये क्या थे हाइड्रोजन थे, जब ये एक्सियल से अटैक करेगा तो जब ये एक्सियल से अटैक करेगा तो ये वाला कार्बोनिल ग्रुप किधर चला जाएगा, इक्विटोरियल में जाएगा, तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल एच, और ये किधर आ जाएगा OH। और जब इसमें किधर से अटैक करेगा, ये जो बेस है वो किधर से अटैक करेगा, इक्विटोरियल से, जो न्यूक्लियोफाइल है वो किधर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, इक्विटोरियल से। तो प्रोडक्ट किधर बनेगा, जो OH है वो किधर आएगा, इधर आएगा OH, और इसमें ये यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा बल्कि, बल्कि वाला, समझ गए। अब इसमें इधर से अटैक होगा, इसमें इधर से अटैक नहीं होगा, प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल। देखें हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा होगा कि OH ग्रुप है उसको किधर रखना चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जब इस टाइप के साइक्लिक मॉलिक्यूल आ जाए तो हमें देखना पड़ेगा कि LiAlH4 मतलब कि बल्कि न्यूक्लियोफाइल गिवन है या नॉट बल्कि। अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो इसका हमेशा किधर से अटैक होगा, इक्विटोरियल साइड से अटैक होगा। इक्विटोरियल साइड से अटैक क्यों होगा, क्योंकि ये पहले ही बल्कि बेस गिवन है और इधर से अटैक करेगा तो इनके साथ क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए हमेशा इक्विटोरियल साइड से अटैक होगा। और अगर बल्कि ग्रुप, बल्कि बेस या न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो किधर से अटैक होगा, हमेशा एक्सियल से अटैक होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इक्विटोरियल बनेगा, इसमें ये वाला मेजर बनेगा अगर बल्कि। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये रिएजेंट मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो गिवन है रिएक्शन में, ये बल्कि है या नहीं है, तो हम वो देखेंगे कि अब कि कौन कौन से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्कि है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो वो बल्कि है या बल्कि है भी या नहीं है, तो तभी तो हम रिएक्शन कराएंगे कि इक्विटोरियल अटैक होगा या एक्सियल अटैक होगा। अगर वो बल्कि होगा तो किधर से अटैक करेगा, वो इक्विटोरियल करेगा क्योंकि रिपल्सन नहीं होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि नहीं है तो किधर से अटैक कर देगा, तो एक्सियल से अटैक करेगा। तो
तो याद रखने कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एल आई क्या है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एल आई, एक तो ये और दूसरा है एल आई ए एल एच फोर, एल आई ए एल एच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एन ए बी एच फोर, ये जो है तीनों, ये तीनों जो है क्या दिया हुआ हो न्यूक्लियोफाइल सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच थ्री, इसमें क्या है लिथियम पॉजिटिव, तो ये क्या है ये वाला क्या है न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफाइल एच नेगेटिव, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल रहता है, न्यूक्लियोफाइल में क्या रहता है एच नेगेटिव, अगर ये न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है बल्कि नहीं है नॉट बल्कि, क्या है ये क्या है नॉट बल्कि, क्या है ये नॉट बल्कि, अगर नॉट बल्कि नहीं है तो अटैक किधर से होगा हमेशा एक्सियल साइड से अटैक करेंगे, किधर से करेंगे अटैक एक्सियल अटैक होगा, क्या होगा एक्सियल अटैक होगा, कौन सा अटैक होगा एक्सियल अटैक होगा। दूसरा अगर और कुछ भी दिया हो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या कोई भी ईटी, जैसे फॉर एग्जांपल और हैं जैसे मिथाइल लिथियम पीएच लिथियम और टर्सिल ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और कुछ भी गिवन होगा, इन तीनों के अलावा अगर कोई और भी गिवन होगा तो ये क्या है बल्कि न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है बल्कि न्यूक्लियोफाइल, क्या है ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल, जब ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक हमेशा किधर से होगा, कौन सा अटैक होगा इक्विटोरियल अटैक, कौन सा अटैक होगा इक्विटोरियल अटैक, कौन सा अटैक होगा इक्विटोरियल अटैक। अब शायद आप सभी प्रोडक्ट बना ही दोगे कि अगर ये तीनों गिवन है NABH पर LiLH पर ये, तो ये क्या है ये बल्कि नहीं है तो हमेशा अटैक किधर से होगा एक्सियल अटैक और प्रोडक्ट किधर बनेगा इक्विटोरियल साइड, अगर ये गिवन है तो ये क्या है बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक हमेशा किधर होगा इक्विटोरियल साइड से अटैक होगा ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, इनको अप्लाई करके देखते हैं कि अब जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनमें अप्लाई करके देखते हैं कि जो क्वेश्चन होगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये है, इसमें इधर क्या गिवन है क्वेश्चन में नाइट्रोजन है, यहाँ क्या गिवन है नाइट्रोजन मिथाइल और इधर ये डबल बॉन्ड को और यहाँ एक गिवन है मिथाइल, क्या गिवन है मिथाइल गिवन है, जब इसकी रिएक्शन होगी इसकी रिएक्शन क्वेश्चन देखता हूँ मैं, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी फर्स्ट इज पीएच लिथियम के साथ और दूसरा क्या है एस टू के साथ, इसका प्रोडक्ट पूछे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन गिवन है इसकी ये क्या है मिथाइल गिवन है और इसकी रिएक्शन कराई सल्फर, ये इधर क्या है लिथियम अटैचिंग और यहाँ क्या अटैचिंग एसआर ग्रुप अटैचिंग, जब इसकी रिएक्शन कराई जब इसकी, अब ये गिवन है जब ये दोनों क्वेश्चन गिवन है, अब हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा था स्टीरियो कि इस ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या, हमने पढ़ा था कि जब क्या हो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच लिथियम एन ए बी एच फोर और एल आई ओ, जब ये तीन गिवन हो तो ये क्या है बल्कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो अटैक हमेशा किधर से होगा एक्सियल से होगा, ये क्या है पी एच लिथियम, ये क्या है हम सबसे पहले क्या देखेंगे क्या है बल्कि बेस, क्या है ये बल्कि बेस है, क्या है ये बल्कि बेस है, जब ये बल्कि बेस है तो किधर से अटैक करेगा हमेशा इक्विटोरियल अटैक करेगा, कौन सा अटैक करेगा इक्विटोरियल अटैक करेगा, जब ये इक्विटोरियल अटैक करेगा इसमें क्या है मेटल के पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या है पी एच, न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें पी एच नेगेटिव, तो इसका जो है इक्विटोरियल किधर होता है इधर होता है,
तो ये हमेशा इधर से अटैक करेगा। जब ये इधर से अटैक करेगा तो ये मिथाइल इधर की गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में ये क्यों, तो ये इधर से अटैक करेगा तो ये यहाँ क्या आएगा पीएच, और यहाँ क्या जाएगा ओ नेगेटिव, और ये एच टू ओ से क्या ले लेगा एच प्लस ले लेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा नाइट्रोजन ओ एच, यहाँ क्या जाएगा पीएच, और इधर क्या था ये मिथाइल। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ, अगर मान लो ऐसे मैं करूँ इसको, ये नाइट्रोजन मैंने ले लिया, नाइट्रोजन दो कार्बन छोड़ पहुँचा, हाँ नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद दो कार्बन छोड़ के क्या है एक दो कार्बन छोड़ के बिलो द प्लेन क्या है ओ एच है, अबोव द प्लेन क्या है पी एच है, फिर क्या है एक जो कार्बन है उसमें जो मिथाइल क्या है वो बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन क्या आ गया मिथाइल आ गया, बस ये क्या हो गया इसकी प्रोडक्ट, ये क्या हो गया इसका प्रोडक्ट हो गया। अब जब इसकी इसके साथ रिएक्शन होगी तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या गिवन, न्यूक्लियोफाइल ये गिवन, जब न्यूक्लियोफाइल ये गिवन है तो ये भी क्या है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल क्या है बल्कि न्यूक्लियोफाइल गिवन है, जब ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो इसका भी अटैक किधर से होगा, किधर से होगा अटैक इक्विटोरियल से अटैक होगा। जब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको चेयर फॉर्म में बनाएंगे, ऐसे जब इसको हम ऐसे चेयर फॉर्म में बनाऊंगा तो हम क्या देखेंगे ये मान लो क्या है ये ग्रुप है, ये क्या है मिथाइल, मिथाइल क्या है अब बहुत अपने ये मैंने क्या कर दिया मिथाइल के बाद क्या है एक ऑक्सीजन, ये मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, उसके बाद दो कार्बन छोड़ के क्या है डबल बॉन्ड को कैसे ये हो गया मिथाइल अब बहुत अपने, उसके बाद ऑक्सीजन दो कार्बन छोड़ के कार्बोनिल ग्रुप फिर एक मिथाइल, ये हो गया। अब जब अटैक करो जब इस फॉर्म में दिया हुआ तो पहले आप क्या करोगे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे इसके, ताकि अटैक कराने में इजीली, इसमें हमें पता नहीं लगेगा कौन सा एक्सियल और कौन सा इक्विटोरियल, तो सबसे पहले हमने क्या किया इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, जब ये न्यूक्लियोफाइल है इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है ये सल्फर ऐसे, और ये लिथियम वाला लिथियम पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव, तो ये जो होगा ये किधर से अटैक करेगा, ये क्या है बल्कियर है, बल्कियर है तो किधर से अटैक करेगा इक्विटोरियल, तो ये इधर से अटैक करेगा, जब ये इधर से अटैक करेगा ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल लिख दूंगा, ये क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है मिथाइल, जब ये इधर अगर जब ये एक्सियल इक्विटोरियल से अटैक करेगा तो एक्सियल पे क्या होगा ओएच होगा, और यहाँ क्या जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी ये बन जाएगी। तो समझ रहे हो आप कि हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो ये अब अगर मैं इसको सिक्स मेंबर में भी अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लूँ उसके बाद क्या है मिथाइल कौन सा प्लेन पे अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन मैंने क्या बना दिया मिथाइल, उसके बाद एक कार्बन, फिर इसके बाद क्या है ओएच क्या है बिलो द प्लेन, मिथाइल के न्यूक्लियोफाइल क्या है अबोव द प्लेन है, तो ये इसके क्या होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ये इसके क्या होगी प्रोडक्ट होगी। तो हमें क्या ध्यान देना है कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में क्या देखना है, अगर एक साइक्लिक टाइप मॉलिक्यूल्स है, ये भी क्या साइक्लिक टाइप मॉलिक्यूल्स है, जब साइक्लिक टाइप मॉलिक्यूल हो जब अटैक किधर से होगा अबोव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, तो हमें क्या देखना है हमेशा कि अटैक हमेशा किधर से होगा, अगर बल्कियर बेस है तो अटैक किधर से होगा हमेशा इक्विटोरियल साइड से अटैक होगा, अगर बल्कियर नहीं है तो हमेशा किधर साइड से अटैक होगा एक्सियल साइड से अटैक होगा, क्योंकि जो बल्कियर नहीं है उसमें रिपल्सन नहीं होती, रिपल्सन नहीं होती तो वो किधर से अटैक करेगा एक्सियल से, एक्सियल से अटैक कर देगा तो जो प्रोडक्ट वो किधर बनेगा इक्विटोरियल साइड मोर स्टेबल बन जाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इक्विटोरियल साइड अटैक करेगा और प्रोडक्ट जो ये ओएच वाला जो है ये किधर बनेगा एक्सियल पोजिशन पे बनता है। और एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो बहुत बार क्वेश्चंस में आया है, नेट में पता नहीं कितनी बार आ चुका, गेट में एग्जाम में डी यू के में बी एच यू में बहुत सारे एंट्रेंस में वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक जो कि रेफरेंस बुक का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि हमें क्या गिवन है एग्जाम्पल है नेक्स्ट कि ये अब वो इसमें क्या है
कि यहाँ एक अबोव द प्लेन आर ग्रुप गिवन है। क्या गिवन है? अबोव द प्लेन आर ग्रुप गिवन है, और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड ओ, और एक ये गिवन है। क्या गिवन है? हाँ ये, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी? Me2ClI। अब आपको जानते हुए कौन सा रिएजेंट है, आपने पढ़ा होगा ये कौन सा रिएजेंट है, गिलमांस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? गिलमांस रिएजेंट। अब आपको पता होगा जब गिलमांस रिएजेंट है तो ये डायरेक्ट अटैक नहीं करता, गिलमांस रिएजेंट हमेशा क्या करता है, 1,4 एडिशन करता है। तो गिलमांस, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, मिथाइल नेगेटिव। तो हम इस इधर से यहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, हमेशा जो गिलमांस रिएजेंट है वो डायरेक्ट जो न्यूक्लियोफिलिक जो कार्बोनिल सेंटर होता है जो उस पर अटैक नहीं करता, वो क्या करता है, जो एल्किन होता है 1,4 एडिशन होता है, किस कौन सा होता है, 1,4 एडिशन होता है। तो गिलमांस रिएजेंट कहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करेगा। तो जब यहाँ अटैक करेगा तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। जब मैं इसको मान लो चेयर फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया, ये क्या आर ग्रुप अबोव द प्लेन, मैंने इसको ऐसे बना दिया आर ग्रुप अबोव द प्लेन। फिर उसके बाद क्या है, ये एक कार्बन मैंने छोड़ दिया, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। जब इसमें अटैक जब हम कराएंगे, इसमें क्या, जब मिथाइल ये है तो इसमें अटैक क्या होगा, ये मिथाइल नेगेटिव क्या है, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक हमेशा किधर से करेगा, किधर से अटैक करेगा, हमेशा एक्जियल साइड से अटैक करेगा। तो एक्जियल ये कौन सी साइड, इक्विटोरियल, ये क्या है, एक्जियल, तो हमेशा ये किधर से अटैक करेगा, इधर से, और ये इधर जाएगा नेगेटिव इधर, और ये फिर इधर से क्या कर लेगा, जैसे मैं आपको बना के देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ मिथाइल, और यहाँ क्या है आर ग्रुप, और फिर ये यहाँ क्या आएगा डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ऐसे आ जाएगा। फिर ये वापस क्या होगा, ये वापस इधर से जाके ये क्या ले लेगा, एच प्लस ले लेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आर यहाँ क्या देगा मिथाइल, और इधर क्या बनेगा ओ एच। जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा तो क्या बनेगा कि यहाँ अगर मैं यहीं आर ग्रुप बना देता हूँ, आर ग्रुप अबोव द प्लेन, उसके बाद जो ये ओ एच है क्या है ओ एच, और ये क्या है मिथाइल, जो मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, बिलो द प्लेन, ये मिथाइल एक कार्बन छोड़ के मिथाइल कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन आएगा, और जो ये ओ एच है ये किधर आएगा, ओ एच की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मिथाइल की पूछी, तो ये मिथाइल क्या आएगा बिलो द प्लेन, और इधर क्या आ जाएगा, ये एक कार्बन छोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा ओ एच, ये क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था कि जो मिथाइल था वो क्या था, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल था, जब बल्कियर न्यूक्लियोफाइल था तो अटैक हमेशा किधर से होगा, एक्जियल साइड से अटैक होगा, किधर से अटैक होगा, एक्जियल साइड से अटैक होगा। अगर इसमें सॉरी ये यहाँ क्या है डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ना, अगर एच प्लस गिवन है तो ये इधर से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये एच प्लस ले लेगा, यहाँ क्या आएगा डबल, तो ये जो मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री है ये क्या होगा बिलो द प्लेन प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें क्या था कि ये गिवन था मिथाइल क्या है, मिथाइल क्या है बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, तो 1,4 एडिशन होगा, किसमें गिलमांस रिएजेंट, वो इधर से अटैक करेगा, फिर ये ओ नेगेटिव है, जब इसमें एच प्लस मीडियम गिवन होगा तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से क्या कर लेगा, इसको कार्बोनिल ग्रुप में बन जाएगा, और ये अटैक करके एच प्लस करके ये बन जाएगा, और मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर क्या गिवन है, अगर बल्कियर बेस गिवन है तो हमेशा कैसा अटैक होगा, एक्जियल साइड अटैक होगा, अगर बल्कियर बेस गिवन नहीं है तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा एक्जियल अटैक होता है।